एंड ये एक हॉरर कॉमेडी है, मनोज शर्मा इसे डायरेक्ट कर रहे हैं, इसमें रोहन मेहरा है, मैं कायनात अरोड़ा है, विजय राज हैं, राजपाल यादव हैं, देन वी हैव यास्मीन जी, एकता जी, ये सारे सब लोग शूट कर रहे हैं और मधु जी हैं इसमें, देन वी हैव अ सरप्राइज नेम ऑल्सो बट वो हम अभी नहीं बता सकते आपको, कल तक पता चल जाएगा जी, आपको कल पता चल जाएगा। स्टोरी पे बेस्ड है सर मूवी की बात करें जी, एक प्योरली एक हॉरर कॉमेडी है, तो ये ऑब्वियसली एक गांव और शहर दोनों के बीच में, और ऑब्वियसली लव स्टोरी इन्वॉल्व है इसके अंदर, एंड ये दोनों ही लवर्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, आपस में नहीं लेकिन आपस में नहीं, कायनात आपस में नहीं, ट्रायंगल है, तो और उस पे वो कैसे स्टोरी वहाँ से घूमती है ये सब उसके ऊपर है। सर इस तरह के रोल काफी आप कर चुके हैं, ये फर्स्ट टाइम इस तरह जी हॉरर कॉमेडी ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, मैं हॉरर्स काफी कर चुका हूँ, थ्रिलर्स काफी कर चुका हूँ, बट ये हॉरर कॉमेडी जोन जो है जैसे स्त्री थी तो वैसा ये जोन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली डिफरेंट जॉनर है हॉरर कॉमेडी, और मैंने पहले ऐसा कभी कुछ अटेम्प्ट नहीं किया था, हॉरर कुछ कर चुका हूँ मैं, कॉमेडी भी कर चुका हूँ, टीवी में भी कर चुका हूँ, लेकिन ये डिफरेंट है और इट्स अ प्लेजर वर्किंग विद ऑल ऑफ दीज ग्रेट एक्टर्स, इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, कलाकार हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं और मन करे कि और अच्छे से काम करूँ, और लेट्स सी। कितना चैलेंजिंग पार्ट रहा सर आपके लिए? चैलेंजिंग एक्चुअली बहुत है, और मैं अगर ज़्यादा बताऊँगा तो स्टोरी भी रिवील हो जाएगी, लेकिन हाँ इट्स वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, और एक रोमांटिक मेरा इसमें भी है विद कायनात, तो हमारा ट्राइंगल है, और साथ में हॉरर, जैसे कि हॉरर कॉमेडी है, तो हॉरर का मैं मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब एक हॉरर की बैकबोन है और उसके साथ में आपको थ्रू आउट एक कॉमेडी, तो हम में से कोई एक भूत भी है तो आप वो आपको देखना पड़ेगा कौन है। मैं नहीं हूँ ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, ये हॉरर जॉनर मैंने आज तक ऐसी कोई फिल्म नहीं की, एंड आई एम लविंग इट बिकॉज ऑफ द कास्ट एंड बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर, एंड आई लाइक द स्टोरी, आई लाइक द कॉन्सेप्ट, एंड आई एम एंजॉइंग वर्किंग विद राजपाल यादव जी एंड विजय राज जी एंड रजनीश, एंड इनके साथ अभी काम नहीं हुआ है, बट आई एम जस्ट लविंग द फील ऑन द सेट, आई एम लविंग टू बी हियर ऑन द सेट एंड डूइंग दिस रोल, या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं ये कहूँगी कि पहले तो इतने सारे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, और जैसे इन्होंने पूरी लिस्ट बताई, साथ में असरानी जी भी हैं जिनके साथ मेरे सबसे ज़्यादा सीन है, एंड इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस बिकॉज मैं इनके साथ ऑफिस में हूँ और असरानी जी हमारे साथ में, हम लोग का वो ट्रायंगल है, ऑफिस ट्रायंगल, तो इट्स एन अमेजिंग वर्क एक्सपीरियंस विद देम, एंड और एक बहुत जो अमेजिंग फैक्टर ये भी है कि इट्स अ कॉमेडी प्लस हॉरर, तो आजकल जो चल रहा है थोड़ा कॉमेडी रिलीफ स्ट्रेस सबको चाहिए, तो इट्स द स्ट्रेस रिलीफर। थैंक यू। शुरू की है तो इसलिए हो सकता है थकान लग रही हो, लेकिन अंदर से कोई थकान नहीं है। नहीं, इनका सीन इससे पहले जो था वो सोने का था, हम लोग अभी सोकर उठे हैं सारे, और ये पुलिस अंदर आई है विजय जी, एंड सडनली हम लोग इसलिए वो फील दी हुई है। ये फिल्म तो मालूम है आपको, खल्ली बल्ली है, और इसकी जो हमारी लीड कास्ट खड़ी है आपके सामने रजनीश भाई, इनके साथ हमारी दूसरी तीसरी फिल्म है, और बड़ी अच्छी एक हॉरर जैसे बोलते हैं ना, एक अच्छी स्टोरी में स्टोरी एक अच्छी जुड़ी होती है, उसके ऊपर जो नग लगते हैं वो हॉरर के नग हैं, और बड़ी एंटरटेनिंग लाफ राइट एंटरटेनिंग फिल्म है ये पारिवारिक, तो अच्छा लग रहा है इसमें काम करते हैं। बिल्कुल हंसा भी रहे हैं और डरा नहीं रहे, खुद डर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है हम लोगों के साथ काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि आपने सेट पे माहौल बनाया हुआ है हंसने खेलने का, और हंसते खेलते इतनी फिल्म बन गई और बनती रहेगी। मैं भी यही चाहता था कि कॉमेडी फिल्म में डरे नहीं, डरे तो ऑडियंस, लेकिन हम लोगों ने हंसते हंसते फिल्म बनाई। नहीं, ऑडियंस भी हंसे, ऑडियंस तो हंसे ही ऐसे, लेकिन हम लोग शूटिंग कर रहे हैं ना, हम वैसे नहीं डर रहे, लेकिन हम हंस रहे हैं, एंटरटेनमेंट पूरा कर। देखिए, चाहे हंसाने का सीन हो चाहे डराने का सीन हो, लेकिन दोनों के पीछे एंटरटेनमेंट जरूर हो, और हम लोग एंटरटेनमेंट की पुजारी हैं, एंटरटेनमेंट करेंगे। थैंक यू, लव यू ऑल। देखिए, मनोज जी की जो फिल्में होती हैं, मुझे लगता है पाँच छठी सातवीं फिल्म होगी हमारे साथ, तो हम तो एक विश्वास होता है और एक अंधविश्वास होता है, तो हम उस अंधविश्वास के तहत इनके यहाँ आँख बंद करके काम करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उसका मज़ा कुछ और होता है, और ये नहीं कि हमारा
दुरुपयोग होता है, क्योंकि उनके दिमाग में कैरेक्टर डायरेक्टर पिक्चर बनाता है, वो हर कैरेक्टर के बारे में सोचता है, पूरी कहानी के साथ ताना बाने में वो फिट है या नहीं है, तो वो हमें बड़ा संतोष मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है कि कोई भी हम रोल इनकी पिक्चर में करते हैं तो वो बड़ा अंत में वो जायकेदार बन के निकलता है। यही उपलब्धि है मनोज जी के साथ काम करने की। देखिए, इन्होंने जिस तरह की टीम आप दोनों ने मिलकर के बनाई है, उसमें एक एक कलाकार जो है एक एक खंभे की तरह है, एक एक पिलर की तरह है, और जो पिलर नहीं है तो वो बिंदिया की तरह है या हार की तरह है। तो जो ताना बाना मनोज जी की पिक्चरों में होता है वो वाकई इंटरेस्टिंग होता है, और कलाकारों के बीच तो हमें मज़ा आई, क्योंकि सब पुराने दोस्त हैं, 20-25 साल पुराने, तो उनके साथ की केमिस्ट्री कुछ अलग ही होती है। जैसे विजय राज के साथ हमारे जो सीन है उनमें अलग मज़ा आ रहा है हम लोगों को काम करते, क्योंकि कई फिल्मों में साथ में कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो केमिस्ट्री है वो एकदम इंटरेस्टिंग है, मज़ा। सर, सभी जानते हैं आप हमेशा कॉमेडी रोल में आते नजर आते हैं, तो इस फिल्म में आप लोगों को हंसा रहे हैं कि डरा रहे हैं? ये थोड़ा सोचने वाली बात है, आप लोगों को लग रहा होगा कि हंसाने वाला ही कुछ होगा, लेकिन थोड़ा सा वो अलग किरदार है, सीरियस किरदार है, और उसके बारे में मैं चाहूँगा दो शब्द आपके मुखार बिंद से निकले तो मज़ा आ जाएगा। हेमंत भाई का कैरेक्टर वैसे तो मैंने हमेशा साथ में, हम 8-9 फिल्में हमारी हो गई हैं, कॉमेडी तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कॉमेडी डायरेक्टर हूँ और हेमंत जी और हमारी केमिस्ट्री पहले बहुत बार इस्टेब्लिश हो चुकी है, तो इसमें हेमंत भाई कॉमेडी तो डेफिनेटली कैरेक्टर की है, लेकिन कुछ टेंशन भी दे रहे हैं इस फिल्म में, ऑडियंस हंसेगी लेकिन जेन्युइनली एक फिल्म को थोड़ा सा टेंशन बिल्डअप कर रहे हैं विजय राज और हेमंत भाई, तो थोड़ा सा मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत अलग, लेकिन कुछ अलग अंदाज तो होगा हेमंत भाई का। थैंक यू।